दोस्तों आज देखेंगे ग्लाइकॉल का फार्मूला। ग्लाइकॉल का फार्मूला क्या होता है? ग्लाइकॉल का फार्मूला होता है CH2OH और CH2OH। ठीक है, किसका फार्मूला होता है? ग्लाइकॉल का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है? ग्लाइकॉल का फार्मूला होता है CH2OH। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। ग्लाइकॉल का फार्मूला ये देखिए, ग्लाइकॉल के फार्मूले को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये CH सिंगल बॉन्ड CH और ये C सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H और ये O H और O H। ठीक है, तो इसको देखते हैं ये जो सिंगल बॉन्ड है ये कैसे आ जाते हैं यहाँ पर, ये जो चार बॉन्ड है ये चार कैसे करके लगे रहते, मतलब इसको देख के हम समझ सकते हैं ये फार्मूला हमारा सही है या गलत है। तो इसको देखते हैं, अब इसको पहले समझ लेते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। कार्बन की वैलेंसी होती है चार। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? चार। कार्बन की चार वैलेंसी होती है तो ये कितने बॉन्डों से जुड़ा रहता है? चार बॉन्डों से जुड़ा रहता है। ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी रहती है? ऑक्सीजन की वैलेंसी रहती है दो। तो ये कितने बॉन्डों से जुड़ा रहता है? दो बॉन्ड से जुड़ा रहता है। और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? एक। तो कितने हाइड्रोजन कितने बॉन्ड से जुड़ा रहता है? एक बॉन्ड से जुड़ा रहता है। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी चार कैसे रहती है, ऑक्सीजन की दो कैसे रहती है, हाइड्रोजन की एक कैसे रहती है। ठीक है, देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में कार्बन कौन से नंबर पर रहता है? छठे नंबर पर रहता है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन, कार्बन छठे नंबर पर आया तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 6। तो कोई भी तत्व परमाणु है उसका अगर एटॉमिक जितना एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे। कार्बन का तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है, तो इसकी पहली वाली सेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरी वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले वाली सेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरी वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए कैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन के पहले वाली सेल में कितने हैं? कार्बन के पहले वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, और ये कार्बन के बाहर वाली सेल में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कार्बन है, कार्बन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अष्टक नियम के अनुसार इसकी बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन को करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 4। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। ठीक है, इसीलिए कितने बॉन्डों से जुड़ा रहता है? 4 बॉन्डों से जुड़ा रहता है। तो ऐसे ही देखेंगे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन की बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो अष्टक नियम के अनुसार, अष्टक नियम के अनुसार हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में जो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। ठीक है, बाहर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। मैक्सिमम तो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बाहर वाली सेल में अष्टक नियम के अनुसार? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉनों के, 2 इलेक्ट्रॉन का होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 1। इसीलिए इसकी वैलेंसी होती है 1। और इसीलिए कितने बॉन्ड से जुड़ा रहता है? 1 बॉन्ड से जुड़ा रहता है। अब आइए ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। देखिए कैसे पीरियोडिक टेबल में
देखिए कौन से नंबर पर ऑक्सीजन, देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आठवें नंबर पर है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आठ होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे कितने, आठ होंगे। ठीक है, तो पहली सेल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरी सेल में कितने, छह इलेक्ट्रॉन होंगे। पहली सेल में कितने, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी सेल में कितने, छह इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो पहली सेल में ऑक्सीजन के पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, और दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, छह इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, छह इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, छह इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसके देखिए, इसकी जो बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, छह इलेक्ट्रॉन है, और अष्टक नियम के अनुसार इसे कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं, आठ इलेक्ट्रॉन करने हैं। ठीक है, बाहर वाली सेल में कितने, आठ इलेक्ट्रॉन, तो आठ इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है, दो इलेक्ट्रॉन होती है। इसीलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, दो होती है। इसीलिए कितने बॉन्डों से जुड़ा रहता है, दो बॉन्ड से जुड़ा रहता है। इसमें देखिए ये दिखा बिंदु सूत्र, कार्बन है, कार्बन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में कितने करता हूं। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें क्या है, ग्लाइकॉल है, ग्लाइकॉल जिसका फार्मूला CH2OH है,
और इसमें क्या है, कार्बन चार बॉन्डों से जुड़ा रहता है, ऑक्सीजन दो बॉन्ड से और हाइड्रोजन एक बॉन्ड से। कार्बन चार बॉन्डों से इसलिए जुड़ा रहता है क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 6, और कार्बन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन अष्टक नियम के अनुसार कार्बन अपने बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर सकता है, ठीक है। तो उसको बाहर वाली सेल में चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए उसे और कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 4। तो इसीलिए उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। इसीलिए वो कितने बॉन्डों से जुड़ा रहता है, 4 बॉन्डों से जुड़ा रहता है। इसी तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ऑक्सीजन के बाहर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऑक्सीजन में क्या है, बाहर वाली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन के बाहर वाली सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है कि कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेता है और हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेता है। इसलिए कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ एक बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ एक बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, इसीलिए क्या है, 2 बॉन्ड से जुड़ा रहता है। सेम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और उसका एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके बाहर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 होता है, ठीक है। और वो अष्टक नियम के अनुसार बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन कर लेता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए उसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो देखिए क्या करता है, ये एक केस में तो हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा करके एक बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। और एक कंडीशन में क्या करता है, हाइड्रोजन कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा करके एक बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो ग्लिसरॉल का फार्मूला है CH2O आपको पसंद आया होगा, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।